लोकसभा चुनाव 2024 के वोटों की गिनती शुरू हो गई है और रुझान आने भी शुरू हो गए हैं। दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। ये चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। अगर एनडीए को जीत मिली तो पंडित नेहरू के बाद पीएम मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले दूसरे नेता बन जाएंगे। अब आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं कि इस वक्त कौन आगे चल रहा है और कौन पिछड़ रहा है। सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं, तो दिल्ली की सभी सातों लोकसभा सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। वही बिहार की बात करें तो वीआईपी सीट काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त पीछे चल रहे हैं। वही एनडीए 115, इंडिया गठबंधन 57 सीटों पर आगे चल रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी अपनी दोनों सीटें यानी वायनाड और रायबरेली पर आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से हरियाणा में भाजपा उम्मीदवार मनोहर लाल और नवीन जिंदल पीछे चल रहे हैं। रुझानों में कन्नौज घोसी सीट पर विपक्षी गठबंधन आगे चल रहा है, जबकि शिमला सिरसा वायनाड से भी इंडिया गठबंधन ही आगे चल रहा है। शिमला से विक्रमादित्य सिंह आगे चल रहे हैं और कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। मैनपुरी से भी डिंपल यादव आगे चल रही हैं। राजस्थान की चुरू सीट से कांग्रेस के राहुल कसवां आगे चल रहे हैं। जोरहाट से कांग्रेस के गौरव गोगोई भी आगे चल रहे हैं। नागपुर से नितिन गडकरी इस वक्त आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी की मंडी सीट से उम्मीदवार कंगना रनौत पीछे चल रही हैं। अभी तक के रुझानों में एनडीए इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और इंडिया जहां 16 सीटों पर आगे है, वहीं बारामती सीट से सुप्रिया सुले, एनसीपी शरद पवार पार्टी से सुप्रिया सुले आगे चल रही हैं। सुप्रिया का मुकाबला अपनी भाभी सुनेत्रा पवार से चल रहा है, जो पीछे चल रही हैं। इसके अलावा मुंबई सीट की बात कर लें तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लगातार बढ़त बनाई हुई है। सपा सांसद डिंपल यादव भी मैनपुरी से आगे हैं और गोरखपुर सीट से रवि किशन आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद में भाजपा के अतुल गर्ग भी आगे बताए जा रहे हैं। अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, आपको बता दें कि अमित शाह गांधीनगर से आगे चल रहे हैं, जबकि बिहार की एक वीआईपी सीट बनी हुई पूर्णिया, यहां से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी आगे चल रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण सीट हैदराबाद, जहां से माधवी लता बीजेपी की कैंडिडेट दावा ठोक रही हैं, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी बढ़त बनाए हुए हैं। और दूसरी तरफ मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल भी लगातार आगे चल रहे हैं। रुझानों में कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे, अमर उजाला पे ताजा अपडेट लगातार देखते रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।